रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की अध्यक्षता में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रविवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पतलांडर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पतलांडर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री वीरेंद्र कंवर मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और HRTC के उपनिदेशक एवं पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित सरकार ने गांव, गरीब, किसान की चिंता की है और विद्यार्थियों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुढ़ापे में दवाई तथा आम जनता की सुनवाई को अपना ध्येय बनाया है। प्रदेश सरकार ने भी इसी भावना को पूर्ण रूप से आत्मसत्ता प्रदान की है और जनमंच जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनमंच में प्रस्तुत शिकायतों को पूरी गंभीरता से ले रही है और इसका समयबद्ध निवारण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच के अवसर पर लगभग 102 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश का निपटारा मौके पर ही हो गया। शेष को समयबद्ध निपटारे के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं। लोगों ने जनमंच में पूर्ण विश्वास जताया है और लोकसभा चुनावों में मिले परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्व जनमंच के अतिरिक्त समय समय पर फील्ड पर जाकर नियमित तौर पर लोगों की समस्याओं को सुने और उनको हल करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार सभी को पक्का मकान, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शौचालय, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इन बिंदुओं को लेकर 2,00,000 परिवारों को चयनित किया गया है, जिनका जीवन स्तर उठाने का काम चल रहा है। आज पतलांदर गांव के अंदर जनमंच का जो है वो आयोजन किया गया। इसमें जनमंच में ये प्रावधान रहता है, जनमंच से 15 दिन पहले जो है वो 10 पंचायतों को जो है क्लस्टर के रूप में जो है उनको लिया था। यहाँ हमारे अधिकारी गांव-गांव में जो है वो कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छता के ऊपर जिसकी किसी को पेंशन नहीं लगी है उसको भी देखा गया। जहाँ कोई सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सभी समस्याओं को देखा। लोगों ने जो है वो ऑनलाइन भी जो है वो समस्याएँ जो है वो अपनी रखी, उसमें से 8 शिकायतें जो थी वो ऑनलाइन आई और 18 जो है वो लोगों ने रजिस्टर्ड जो है वो हमारे विभाग के पास जो है वो करवाया, जिसमें से जो है वो मौके के ऊपर ही जो है वो हमने इस आज भी जहाँ 60 समस्याएँ आई और जिनको जो है वो हमने 17 का जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और आज मौके के ऊपर भी बहुत सारी करीब 15 के करीब जो है वो समस्याएं जिन्होंने जो है वो एप्लीकेशंस दे दिए, लेकिन हमने उनको भी रजिस्टर्ड किया। हमारे कर्मचारी जो थे उसकी जो है वो कार्रवाई लिख रहे थे और हमने उनको ये विश्वास दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है जो ग्रीवेंसीज हैं उनको जो है उनका समाधान जो है वो कर दिया जाएगा और ये प्रशासन को जो है हमने आदेश दिए। और मौके के ऊपर जो है वो आज बहुत सारी म्यूटेशंस भी हुए हैं जो है वो किसी के बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स ये वो नॉन इलेक्शन सर्टिफिकेट्स वो भी जो है वो मौके पर दिए गए। और विभाग ने जहाँ प्रदर्शनियों का भी जो है वो आयोजन किया था, जिसमें केंद्र की स्कीमें, प्रदेश की जो हमारी कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनके प्रति जानकारी देना और फिर साथ में हिम केयर के माध्यम से लोगों की जो है वो कार्ड बनाना, स्वास्थ्य कार्ड बनाना और फिर फ्री मेडिकल चेकअप जो है वो आयुर्वेदा विभाग के द्वारा भी और एलोपैथी विभाग के द्वारा भी दोनों विभागों ने जो है वो रखा था। एक संपूर्ण रूप से जो है वो लोगों को जो है जो गाँव है, गरीब है, किसान है, हम उसको जो है वो राहत देने का, जो पहले जो है वो कार्यालयों के चक्कर लगाते थे
अब हम घर द्वार के ऊपर जो है तो इस तरह की जो हम सुविधा दे रहे हैं समस्याओं का समाधान।